Assalamu alaikum. Class 4, subject science. We will discuss chapter 1. The chapter name is human body. So, एक इंसानी जिस्म मर्ज वजूद में आता कैसे है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. साइंस ने इसकी थोड़ी डिटेल्स कंसीडर की है आपकी क्लास के मुताबिक. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी स्टार्ट कहाँ से होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट जो है हमारा सेल है. सेल है क्या? ये एक यूनिट है और यूनिट किसका है? दो, यानी कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली साख्ती और फिर याती लिहाज से इसका जो कनेक्शन है, जो एक प्रॉपर है, वो क्या है? हमारे पास एक बॉडी, और वो है किसकी? एनिमल्स की, और वो प्लांट्स की भी हो सकती है. तो सेल क्या हो गया? सेल ऐसा स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल यूनिट है जो एक ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करता है, बनाता है. वो ऑर्गेनिज्म कैटेगराइज हमने कर दिया मेजर एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में. तो अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन बॉडी को अगर हम शेप करें, तो बहुत हमारे पास क्या है? एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, हमने उसका एक थोड़ा सा हिस्सा लिया है. तो अगर हम देखें, ये हमारी ह्यूमन बॉडी होगी. तो वो कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी मिलियन, इससे भी ज्यादा बिलियन, और इससे भी ज्यादा ट्रिलियन क्या चीज सेल्स आपस में कंबाइंड होते हैं, जो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं. वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हमने कहा कि वो क्या है? हमारे पास ह्यूमन बॉडी है. तो ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना है, तब जाके एक ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर होता है. फर्दर डिटेल्स में अगर हम देखें, तो सेल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, ठीक है. सपोज हमारे पास एक सेल है, सेल का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, उसमें क्या है? न्यूक्लियस मौजूद है, उसमें माइटोकांड्रिया मौजूद है, उसमें लाइसोसोम मौजूद है, उसमें गॉल्जी अपैरेटस मौजूद है, उसमें एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है. तो ये सारा सिलसिला एक सेल्स में मौजूद है. जब इसी तरह के बहुत सारे सेल्स आपस में क्या होंगे? कंबाइन होंगे, तो वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना देते होंगे. सपोज हम कहते हैं कि ये क्या है? एक मसल्स का टिश्यू है. तो मसल का टिश्यू जब ये रिपेयर हुआ है, तो ये क्या हुआ? ये बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन हुए, तब जाके एक मसल का टिश्यू क्रिएट हुआ, एक मसल का टिश्यू बना. इस मसल के टिश्यू के बनने के बाद हमने कहा कि जब ये ही टिश्यू क्या होंगे? आपस में कंबाइन होंगे, तो वो एक आर्गन बना देते हैं. पहले हमने कहा कि सेल थे, सेल बहुत सारे कंबाइन, तो टिश्यू. जब टिश्यू बहुत सारे कंबाइन हुए, तो आर्गन. अब आर्गन किस तरीके से? सपोज हम कह देते हैं कि हमारे पास क्या है? ये है स्टामेट. इसे हम नाम देते हैं किस चीज का? आर्गन, ठीक है. अब आर्गन क्या है? इससे पीछे, यानी कि आर्गन बना बहुत सारे टिश्यूज से. टिश्यूज किस चीज से बना? बहुत सारे सेल से. इसलिए हम कहते हैं कि ये जो सेल है, इसका यूनिट ऑफ द लाइफ, जिंदगी के लिए, जिंदगी की जो इकाई है, वो क्या है? सेल. अब आर्गन जब आपस में कंबाइन होंगे,
तो क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। सपोज हमारे पास एक स्टमक, अब हमारी ये बॉडी है, हमारे पास ये क्या है, एक नर्वस सिस्टम है। इधर क्या है, हम कह देते हैं सपोज ये हमारा क्या है, हार्ट है। और इधर क्या है, सपोज हम कह देते हैं कि ये स्टमक है। इधर क्या है, हम कह देते हैं कि ये लिवर है। तो बहुत सारे आर्गन मिलकर क्या बना देते हैं, एक आर्गन सिस्टम। और जब एक आर्गन सिस्टम डिवेल्प होता है, उस आर्गन सिस्टम के डिवेल्प होने के बाद जब ये आर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं, तो एक इंडिविजुअल, इसमें एक लाइफ, इसमें एक बॉडी, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा क्या होता है, डिवेल्प होता है। हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डिवेल्प होता है। तो इसी तरीके से सेल, सेल कंबाइन हुए, टिश्यू बने, टिश्यू के बाद आर्गन, आर्गन सिस्टम बना, आर्गन के बाद हमारा एक होल ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, डिवेल्प हुआ। तो इस तरीके से टुडे वी विल डिस्कस ह्यूमन बॉडी।